नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां 26 दिसंबर 2022 कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बसावन मामा वन्य विहार गौ अभ्यारण्य के कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि गौशालाओं के निर्माण तेजी लाएं, विश्राम गृह निर्माण की प्रगति भी बहुत धीमी है। गौ अभ्यारण्य में स्वीकृत सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करें। इनके निर्माण में यदि किसी भी तरह की बाधा है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्रिकी सेवा निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अधीक्षक यंत्री पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गौ अभ्यारण्य परिसर में अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित कराएं। कलेक्टर ने कहा कि बसावन मामा गौ अभ्यारण्य गौवंश की सेवा तथा संरक्षण का कार्य करने के साथ स्वरोजगार का भी माध्यम बनेगा। यहां स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से गोबर से विभिन्न उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने की भी तत्परता से कार्यवाही करें। यदि समय सीमा में इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होता तो संबंधित निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही करें। गौ अभ्यारण्य के तहत मुर्गी पालन सेट का भी निर्माण कार्य मंजूर किया गया है। राशि मंजूर करने के बाद यदि निर्माण एजेंसी कार्य नहीं कर रही है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें। बैठक में गौवंश अभ्यारण्य की वेबसाइट तैयार करें। अभ्यारण्य में सोलर लाइट की स्थापना तथा प्रवेश द्वारा निर्माण के संबंध में भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में बसावन मामा गौवंश अभ्यारण्य के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा SDM सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनवरी माह के अंत तक पोल्ट्री सेट का निर्माण पूरा करा लिया जाएगा। गौवंशों का निर्माण 15 फरवरी तक पूरा कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी में निर्माण कार्य जारी है। अभ्यारण्य के प्रवेश द्वार का निर्माण ग्रामीण यंत्रिकी सेवा द्वारा शुरू कर दिया गया है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, उप संचालक पशुपालन डॉक्टर राजेश मिश्रा तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।